हाय एवरीवन वेलकम टू एचर्स एकेडमी और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन 16, 17 एंड 18 और ये आपके लास्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के आज ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है और इसी के साथ एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं प्लस सारे एन के क्वेश्चन सॉल्व मिल रहे हैं इसके अलावा आपको जो प्रीवियस है क्वेश्चन हैं असर्शन रीज़न है सब कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर कुछ तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है कुछ और जो नहीं है अवेलेबल वो आपको मिल जाएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो क्वेश्चन सिक्सटीन शुरू करते हैं क्वेश्चन है विच यूजेस मोर एनर्जी आ टू फिफ्टी वॉट टी वी सेट पूछा गया है आपसे कि कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करता है एक टी वी सेट जिसकी पावर है टू फिफ्टी वॉट टी वी सेट इन वन आवर एक घंटे के अंदर और आ ट्वेल्व हंड्रेड वॉट टोस्टर इन टेन मिनट्स या फिर एक टोस्टर जिसकी पावर ट्वेल्व हंड्रेड वॉट है और टेन मिनट्स में तो कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है ये आपको निकालना है तो सबसे पहले लिख लो हमें टीवी और टोस्टर दो की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टी और सपोज़ यहाँ पर मैंने लिख लिया टोस्टर ठीक है अब टीवी का हम पहले लिख लेते हैं पावर कितनी है जो जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं पावर है इसकी 250 फिफ्टी वाट और टाइम जो दिया है वो कितना दिया है आपका वन आर टोस्टर की जो पावर है वो दी है आपकी ट्वेल्व हंड्रेड वॉट और टोस्टर का जो टाइम दिया है वो देखो टेन मिनट्स दिया है तो इसको मुझे क्या करना होगा क्योंकि दोनों साइड यूनिट सेम रखनी है इसको आर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लिख लेंगे टेन अपॉन सिक्सटी क्या जाएगा वन अपॉन सिक्स आर अब हम फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पर ई इक्वल टू होता है आपका पी मल्टीप्लाई टी ठीक है अब यहाँ पर जो हमारा पी है पावर है वो कितनी आपकी 250 है टाइम कितना है वन तो सिंपली जो टीवी की एनर्जी जो यूज़ करेगा एनर्जी टीवी वो कितनी आएगी 250 फिफ्टी वाट आर ये इसकी यूनिट है वाट आर ठीक है एनर्जी की इसी तरह टोस्टर का निकाल लेते हैं टोस्टर का भी फॉर्मूला लिख लिया पहले इजिकल टू पी मल्टीप्लाई टी अब हमें पावर पता है कितनी है ट्वेल्व हंड्रेड है वो लिख लिया टाइम हमने निकाला था वन अपॉइंट सिक्स ये लिखेंगे आर वाला ठीक है इसको कट कर दिया हमारा टू हंड्रेड आ गया तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है इन केस ऑफ टोस्टर वो कितनी आई टू हंड्रेड वाट आर तो ये एनर्जी लेस है देन दैट ऑफ द टी तो वी जिसकी एनर्जी है टू फिफ्टी वाट आर तो आंसर लिखोगे आप हैंस टी वी मोर एनर्जी हो गया आपका आंसर इसी आंसर को आप यदि आपसे पूछा जाए जूल में कन्वर्ट करूँ तो आप कैसे करोगे कन्वर्ट जो आपकी ये वैल्यू आई है ना ये वॉट आर में आई है यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें थर्टी सिक्स हंड्रेड तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जूल में इसको आप करोगे और कमेंट में करके मुझको बताओगे क्वेश्चन सेवेंटीन एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिडेंस एट ओम किसकी बात चल रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर की उसका रेजिटेंस दिया हुआ है कितना है रेजिस्टेंस एट ओम ड्रॉज फिफ्टीन एमपियर करेंट करेंट कितनी ड्रॉ कर रहा है वो फिफ्टीन एमपियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स टू आवर्स जो सर्विस मेन्स है वहाँ से कितने टाइम के लिए ये इतनी करेंट ले रहा है फॉर टू आवर्स ठीक हो गया अब पूछा क्या है ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड तो यहाँ पर देखो हीट डायरेक्ट नहीं पूछा है यहाँ पर पूछा है एट विच रेट ठीक है ना तो रेट एट विच तो ये क्या हो जाता है आपका बेसिकली ये क्या पूछा है आपसे पावर पूछा है क्योंकि जब रेट पूछा है एनर्जी का रेट क्या है तो वो पावर हो जाता है कि कितना स्लो कितना फास्ट जो है वो हीट हीट जो है डेवलप हो रही है उसमें ठीक है तो रेट जब पूछा है तो ये इस मीन्स पावर हो गया आपका जो फार्मूला लिखोगे आप पावर का लिखोगे तो यहां पर चूंकि एनर्जी का रेट पूछा तो आप लिख सकते हो पी इजिकल टू ई वाई टी समझ में आ गया ना ई क्या है यहाँ पर हीट एनर्जी है ठीक है अब P का फार्मूला वैसे हमें पता है पी इजिकल टू होता है आई स्क्वायर आर हम इस फार्मूले से भी निकाल लेंगे क्योंकि हमें आई भी गिवन है आर भी गिवन है इसको भी देख लेते हैं जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा है पी इजिकल टू ई पॉइंट टी इसमें भी फार्मूला सेम आएगा क्योंकि हीट एनर्जी है हीट एनर्जी का मतलब होता है आई स्क्वायर आर टी हम फार्मूला लिख लेंगे अपॉन टी तो टाइम दोनों कैंसिल हो गए फार्मूला आ गया आपका पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर अब हमने आई की वैल्यू लिखी दैट इज फिफ्टीन एमपीयर फिफ्टीन का हमने होल स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई आर की वैल्यू लिख दी दैट इज एट तो कितना हो गया ये टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई एट अब इसे कैलकुलेट कर लो आप एट फाइव सा क्या हो गया आपका फोर्टी एट टू जैर सिक्सटीन फोर ट्वेंटी एट टू जैर सिक्सटीन टू एटीन तो ये जो पावर आई आपकी वो कितनी आ गई एटीन हंड्रेड वॉट और इसको लिख सकते हो आप जूल पर सेकेंड ठीक है ये आपकी पावर आ गई तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप देख करके कि रेट मतलब बच्चे हो जाते हैं जनरली कन्फ्यूज रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड तो लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ इसमें हमने पावर निकाला था तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द फॉलोइंग अब यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और मोस्टली हर बार आपको इसमें के एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में क्वेश्चन इज टंगस्टन यूज मोस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलाेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स मीन्स इलेक्ट्रिक लैम्प्स में जनरली टंगस्टन को ही यूज़ किया जाता है ठीक है क्यों देखो टंगस्टन जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन दैट इज़ टू हाई कितना होता है थर्टी थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो जो हम बल्ब की बात करते हैं बल्ब ये हम उन बल्ब की बात कर रहे हैं जो जनरली पहले यूज़ होते थे आज की डेट में एल यूज़ हो रहा है ठीक है तो ये जो बल्ब होते थे इनमें क्या होता था यहाँ पर एक बहुत ही पतला सा वायर होता था जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं और ये टंगस्टन का होता था वायर तो ये वायर की कैपेसिटी होती थी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है तो ये काफ़ी हीट अप हो जाता है और उसके बाद में हीट होने पर लाइट देता है लेकिन ये मेल्ट नहीं होता है ठीक है तो इसीलिए हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक लैम्प्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ इसके मेन पॉइंट याद रखना है कि टंगस्टन क्यों यूज़ होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट ठीक है ना मेल्टिंग पॉइंट इज टू हाई ये याद रखना आंसर कैसे लिखोगे आंसर लिख लोगे आप द टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टंगस्टन फ्लामेंट इट गिव्स हीट एंड लाइट एनर्जी विदाउट बींग मेल्टेड तो मेल्ट नहीं होगा क्योंकि यदि हम कोई ऐसा मेटल ले लेंगे जिसमें इजीली मेल्ट हो जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो हीट का इतना दे ही नहीं पाएगा कि वो जो है वो लाइट उससे मिल पाए तो सिंपल आंसर है इस तरह के आंसर आप कर लेना वाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स इलेक्ट्रिक आयस मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल तो इसमें जो आप रीज़न लिखोगे वो क्या लिखोगे कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है रेजिस्टिविटी हाई होती है हमें हीटिंग डिवाइस में हीट चाहिए तो हीट के लिए हमें क्या चाहिए उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो जब रेजिस्टेंस तभी ज़्यादा होगा जब रेजिस्टिविटी हाई होगी तो ये जो एल होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है और ये इजिली कॉरोड भी निकलते हैं जबकि आप दूसरे मेटल लोगे प्योर मेटल लोगे तो वो ऑक्सीडाइज कर जाएंगे कॉरोड कर जाएंगे यदि आप उनको हीट करोगे ठीक है और उनका रेजिस्टेंस भी कम होता है तो इतना हीटअप भी नहीं हो पाएंगे तो आंसर लिखोगे आप आंसर हो जाएगा आपका द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस आर मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल बिकॉज द रेजिटिविटी ऑफ द एलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल ठीक है ना जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है देन इन कंपेरिजन ऑफ द प्योर मेटल और जो एलॉय होते हैं एंड एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नहीं होता है इवन द हाई टेम्परेचर वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर द डोमेस्टिक सर्किट्स देखो हमें पता है सीरीज अरेंजमेंट का मतलब होता है कि वन अप्लायंस एंड अनदर अपलायंट्स या फिर जितने भी अप्लायंसेज आपके वो सब क्या है वन टू वन जुड़े होते हैं ठीक है जैसे आप बनाते हो सीरीज का कनेक्शन ऐसे ही बनाते हो वन टू सपोज ये तीन अप्लाइंस हैं तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो अब क्या होगा यदि इसको एक को हमने बंद करना है तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे इसमें कोई फेलियर आता है तो इनमें भी फेलियर आ जाएगा जबकि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें क्या होता है ऐसा नहीं होता है उसमें आपका इस तरह से पैरेलल सर्किट जब बनाते हो तो जो करंट है वो हर एक में हर अप्लायंस में अलग से फ्लो होगी यहाँ पर अलग से आएगी यहाँ पर अलग से यहाँ पर अलग से तो ये किसी वजह से यहाँ के करंट स्टॉप हुई है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ़ द अप्लायंस तो अभी ये दोनों काम करेंगे या आपने यहाँ पर स्विच ऑफ किया है इसका तो अभी ये दोनों अपना वर्क करते रहेंगे तो ये फ़र्क होता है आपका सीरीज़ में और डोमेस्टिक में तो इसीलिए सीरीज अरेंजमेंट नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि आप ये तो नहीं चाहोगे कि आपने एक अप्लायंस को बंद किया तो सब बंद हो जाए या एक को ऑन किया तो सभी ऑन हो जाए घर के ये तो कोई नहीं चाहेगा तो दैट इज वाई वी यूज डोमेस्टिक सर्किट इन पैरल कनेक्शंस आंसर लिख लोगे आप द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट बिकॉज इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ठीक है ना यदि एक बंद करता है काम करना ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर अप्लायंस इज ऑल्सो स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ द होल सर्किट इज ब्रोकन राइट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ अबायर वेरी इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है जो कि आपको पता ही है कि आर जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविट रो इंटू एल अपॉन ए ठीक है ये आपका फॉर्मूला होता है तो आर क्या हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तो यानी कि यदि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो आर रेजिस्टेंस हमेशा घटेगा ये याद रखना कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ये सिंपल सा याद रखो इस फॉर्मूले से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के आंसर लिख लोगे आप द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज रेजिस्टेंस आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए ठीक है एंड इफ़ द एरिया ऑफ़ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ऑफ फिक्सड लेंथ इज इंक्रीज ठीक है लेंथ आपकी वही है केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आया दैन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज दैन लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन है वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजअली इम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है इनका रेजिस्टेंस लो होता है ठीक है रेजिस्टेंस लो होता है और इस वजह से ये दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है क्योंकि इस इजिली करेंट फ्लो हो सकती है इनके थ्रू और चूंकि रेजिस्टेंस लो है तो ये हीटअप भी नहीं होते हैं तो यही इसका आंसर है देख लो क्या लिखना है आपको आंसर आप लिखोगे कॉपर एंड एलुमिनियम वायर्स यूजली इंप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज दे हैव वेरी लो रेजिस्टेंसिस सो दे डू नॉट बिकम टू हॉट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करेंट तो ठीक है जब रेजिस्टेंस लो है तो हीटअप भी नहीं होंगे और गुड कंडक्टर्स होते हैं इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ वी नो दैट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट सिल्वर इज़ नॉट यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वाई तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दोगे ठीक इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है आज कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो थैंक यू